ये वही पवना गाय है जो साईं बाबा के सीरियल में दिखाते हैं। ये गाय किसी की है, यहीं आस पास में होगी किसी की। अब इसके शरीर में सब चपटी ही चपटी किलनी, जो कीड़े होते हैं ना पूरे बदन में, अभी सब निकाला है। कितनी भूखी है ये, इसको वही भूसा और कना सूखा देखिए डाल दिया है, किस कदर खा रही है। सूखा चारा खा रही है, थोड़ा कना मिला दिया है, भूखे के लिए उतना ही बहुत है। यही लोगों से कहते हैं कि यही गाय सेवा है। गाय सेवा से मतलब थोड़ी कि गाय आपने पाल लिया और उसकी सेवा हो गई, भाई बदले में आपने दूध ले लिया। सेवा ऐसे गाय की कीजिए जो गाय आपकी ना हो और काफ़ी हालत भूखी हो, हालत गड़बड़ हो, घाव हो, कीड़े पड़े हों, तो वही सेवा है। अभी इसके पहले जो है इसमें किलनी चपटी काफ़ी सब इसमें से काफ़ी निकाले हैं और काफ़ी थनों में लगे हुए हैं तमाम से, यहाँ वहाँ उसको भी सब निकाल चुके हैं। और लोगों को ये हमें कहना ही है, अब क्या बताएं, अगर सही बात किसी को बोलो तो बड़ी जल्दी उसको चल पैदा होती है। इसलिए हमें यही कहना होता है कि औरतों को जो मूर्ख कहा गया है तो क्यों कहा गया है? कोई तो वजह होगी, कोई तो कारण रहा होगा, मूर्ख महिला क्यों कहा गया है? इसलिए कि हर काम उनका अधिकांश उल्टा होता है, झूठ बोलना उनकी नियति होती है। यही बात रामायण में भी लिखी है, नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, झूठ बोलना और खूब पूजा पाठ, खूब फूल माला मंदिर। अब ऐसे ही महिलाओं को हमको यह कहना है कि आप झिल्ली के अंदर भर के, अभी मैं मनसा देवी की तरफ से आ रहा था, वहाँ देखा एक झिल्ली के अंदर तमाम रोटियाँ, झिल्ली के अंदर, और वो झिल्ली के अंदर से रोटियाँ दिखाई पड़ती हैं। अब बताइए उस गाय को, कोई भी गाय खाएगी उसको? फिर नहीं रहा गया, उसको खोले, खोल के निकाले। अब लोग यही सब देख करके समझते हैं कि देखो ये श्याम साधु पागल है, कि कूड़े करकट में घुसा क्या बिन रहा है, क्या निकाल रहा है, ये मेरा अंधा समाज है। महा यानी किसी, हम गाय की जान बचा रहे हैं तो हम पागल हैं, और यहाँ गो हत्या करवाने वाले को हम वोट दे रहे हैं, है ना? आजकल कोई भी गाय के समर्थन में हमने किसी पार्टी को नहीं देखा, एक मुखौटा ज़रूर देखा है, गौ माता और जय श्री राम, सब मुखौटा है। हमने नहीं किसी को देखा, चाहे हमारे धार्मिक नेता हों, हमारे चाहे वो राजनीतिक रामनामी पार्टी के हों, कि सड़क के किनारे इस तरह के अभियान चलावें। अभियान क्या चलावें? स्वयं से करें। अभियान तो एक नाटक हो, पेपर में आ गया, हो गया साहब ऐसा हुआ, वो फिर नाटकबाजी है। स्वयं से नित्य कोई हमको कोई भी नहीं करते दिखता, तो बड़ा आश्चर्य होता है देख के कि बाप रे बाप, क्या है हमारे अंधे समाज को हो गया है। हमारी खानदानी परिवार में देखिए, रात में देखा किसी पंडित जी ने बता दिया, हम आटे की लोई और पता नहीं क्या, अब गौ माता को खिला दीजिए। अब वो वही कर रहे हैं जो पंडित जी ने कहा है, जो पंडित जी ने कभी उस गाय की, किसी गाय की सेवा नहीं की, वो पंडित की बात मान रहे हैं। और यहाँ हम सारी ज़िंदगी लगा दी, अपनी ज़िंदगी हमारी बीत गई, हमारे खानदान परिवार के लोग हैं सब हमको देख रहे हैं, और देखने के बावजूद हमारी बात मानना तो दूर की बात, उनकी नियति यही होती है कि कहाँ कैसे क्या करें, कि कुछ इनके ज़मीन जायदाद से हमको अगर हड़पने को मिल जाए तो फिर कहने क्या है, सीधा स्वर्ग उनको देखेगा। हमको हमें ऐसे नहीं, पूरे समाज से कहना है कि जो आपके खानदान परिवार में घटनाएं घटती हैं, किसने क्या किया, उसका परिणाम क्या हुआ, उससे लोगों को सबक लेनी चाहिए। उसे लिख करके ऐसे ही खबरों को मैं लखनऊ मेल में भी कई बार दे चुका हूँ, कई बार आया है, हज़ारों लोगों ने पढ़ा है, लेकिन किसी में कोई फर्क नहीं। कहीं आटे की लोई खिला रहे हैं, कहीं कोई रोटी खिला रहा है। एक एक रोटी गाय को अगर आपने दे दिया, आटे की लोई दे दिया, तो उससे क्या मिलना है, उससे गाय का क्या भला हो? गाय दरवाजे आवे, उसको भूसा रखिए घर में मंगा के, चीनी कना रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा सा दे दीजिए, ना उनको भर पेट खिलाइए, कुछ तो उनको मिल जाए, प्राण तो उनके बचे, और किलनी चपटी आराम से उसको सहलाइए, उसकी सेवा कीजिए। अब इस समय चूँकि मैं ही इस कैमरे से बना रहा हूँ, वरना हम तो खुद ही आपको दिखाते इसके अंदर कि देखिए लावारिस गाय के किस तरह हम छूते हैं, किस तरह उसको सहलाते हैं। पहले जैसा भी जानवर हो उसको आप खुजलाना शुरू करते हैं, तब वो पूँछ उठाती है और वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है, उसको बड़ी राहत मिलती है। बड़े बड़े कीड़े लगे, अब हज़ारों सैकड़ों कीड़े भी हम जो